लोकसभा चुनाव में बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद सपा की नजर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर है। इंडिया गठबंधन के साथ सपा महाराष्ट्र में कम से कम 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि पार्टी की तैयारी विधानसभा की 35 सीटों पर है। सपा के इस विस्तार नीति को सफल बनाने के लिए अखिलेश यादव ने इंद्रजीत सरोज को महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया। अखिलेश यादव के कार्यकाल में ये पहली बार है जब समाजवादी पार्टी ने यूपी से बाहर किसी बड़े राज्य में अपने दिग्गज नेता को प्रभारी बनाकर भेजा है। बहुजन समाज पार्टी से सपा में आए इंद्रजीत सरोज को संगठन का नेता माना जाता है। सरोज को 2019 में अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय महासचिव बनाया था। सरोज अब तक कौशाम्बी, प्रतापगढ़ और इलाहाबाद के इलाके देखते हैं। 2024 में सपा ने इन इलाकों की 4 में से 3 सीटों पर जीत हासिल की। सपा की इस जीत के बाद सरोज के यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने की भी चर्चा थी, लेकिन इससे पहले ही अखिलेश ने उन्हें महाराष्ट्र की कमान सौंप दी। सरोज पासी समुदाय से आते हैं और महाराष्ट्र में इस समुदाय की आबादी करीब 10.5% है। संख्या के हिसाब से देखा जाए तो महाराष्ट्र की हर विधानसभा में दलितों की आबादी 15,000 के आसपास है। महाराष्ट्र में सपा का सबसे बड़ा चेहरा अबू आजमी है, जो मुस्लिम समुदाय के बड़े नेता भी माने जाते हैं। राज्य में इस समुदाय की आबादी करीब 11% है। अखिलेश इन्हीं दोनों समुदायों को जोड़ने के लिए सरोज को प्रभारी बनाकर महाराष्ट्र भेजा है। लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी की प्रदेश इकाई ने एक समीक्षा बैठक की, जिसमें अबू आजमी ने महाराष्ट्र की 30 में से 35 सीटों पर मजबूती से तैयारी करने के निर्देश दिए थे। आजमी की इसके बाद अखिलेश यादव से मिले थे। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के तहत सपा की कोशिश कम से कम 10 सीटों पर लड़ने की थी। इसके पीछे पार्टी के 3 तर्क हैं। पहला कि 2009 में सपा को विधानसभा की 4 सीटों मनखुर्द नगर, भिवानी ईस्ट, भिवानी वेस्ट और नवापुर पर जीत मिली थी। 2019 में भी पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी। दूसरा कि समाजवादी पार्टी 2019 में 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसे कुल 0.69% वोट मिले। 2009 में पार्टी का वोट प्रतिशत 0.74% था। तीसरा, समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र के मुंबई अर्धशहरी और ठाणे कोकड़ जोन में जनाधार है। इन इलाकों में विधानसभा की करीब 50 सीटें हैं। महाराष्ट्र में इसी साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। राज्य में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं, जिसमें सरकार बनाने के लिए कम से कम 145 सीटों की जरूरत होती है। राज्य में मुख्य मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के बीच है। एनडीए में शिवसेना, एनसीपी, बीजेपी, आरपीआई और मनसे जैसे दल हैं, तो दूसरी ओर इंडिया में कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट, एनसीपी, शरद पवार गुट जैसी पार्टियां शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर बहुजन विकास अघाड़ी और एआईएमआईएम जैसी पार्टियां भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। बात समाजवादी पार्टी की करें तो सपा ने 2019 में 7 सीटों पर उम्मीदवार उतारा था, जिसमें उसे 2 पर जीत मिली। 2014 में उसने 28 सीटों पर उतारे थे, जिसमें 1 पर जीत मिली। इंडिया गठबंधन में अगर सपा की दावेदारी बढ़ती है तो कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के सीट शेयरिंग पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। अभी तक ये चर्चा है कि तीनों ही दलों में बराबर बराबर की सीटें महाराष्ट्र में बंट सकती हैं।